हे गाइस, मेरा नाम है समीर सुमंत और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी विलास बैंक एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मर्जर के बारे में। हाल ही में न्यूज़ में आया हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्जर के लिए। इसमें यह भी अनाउंस किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है लक्ष्मी विलास बैंक के, उनको 1:0.14 के रेशियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स मिलेंगे। अभी इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है लक्ष्मी विलास बैंक के, तो यू आर एलिजिबल टू गेट 14 शेयर्स ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये जो दोनों कंपनीज़ है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ है, तो ये जो मर्जर का अप्रूवल है, इसका इम्पैक्ट दोनों पे भी आएगा। अब वो इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं LVB यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक के स्टॉक की। ये स्टॉक जो है मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी अपने को। ये स्टॉक प्रीवियस क्लोज इसका 92 रुपीज़ के आसपास था, तो एक्सपेक्टेड है कि ये 95 से लेकर 100 के बीच में ओपन हो एंड इट मे गो अप टू 105 एंड 110 तक भी ये जा सकता है। इसके मेन तीन रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एक लक्ष्मी विलास बैंक, जिसकी नेटवर्थ मतलब यानी कि एसेट वैल्यू उनकी है अराउंड 40,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, एंड दे आर गोइंग टू मर्ज विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिनकी नेटवर्थ है अराउंड 1,25,000 करोड़। तो दे आर मर्जिंग अ स्मॉल एंटिटी मर्जिंग विथ अ लार्ज एंटिटी जिसकी एसेट वैल्यू अराउंड 3 times ज़्यादा है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम। दूसरी चीज़ ये है कि जो शेयर्स का अनाउंसमेंट किया गया है, शेयर्स जो बोनस शेयर्स कह सकते हो इसको, जो अनाउंस किया गया है 1:0.14 यानी कि 100 शेयर्स के अगेंस्ट 14 शेयर्स ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन लक्ष्मी विलास स्टॉक। तो इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि जो आने वाला 2-4 दिन का टाइम है, इसमें लक्ष्मी विलास बैंक का जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। थर्ड थिंग जो इसकी पॉजिटिव है, ये वो ये है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक का जो स्टॉक है उसकी प्राइस वैल्यू है अराउंड 92 रुपीज़, तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 100 स्टॉक्स भी परचेज करने हैं तो इट विल रिक्वायर अराउंड 10,000 रुपीज़ ऑफ कैपिटल, तो इसमें बहुत ज़्यादा निवेश होने की संभावना है, उसके वजह से इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। अब ये जो तीन चीज़ें पॉजिटिव है, तो क्या हमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का सवाल होगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है ये आपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड की तरफ से सिर्फ अप्रूवल का अनाउंसमेंट है कि दे आर रेडी टू मर्ज विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अभी दिस इज़ नॉट अ फाइनल अप्रूवल, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये एक NBFC कैटेगरी में आती है, यानी कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब जब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मर्जर होते हैं तो उसको RBI एंड अलॉन्ग विद अदर रेगुलेटरीज का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब ये RBI एंड अदर रेगुलेटरीज बॉडीज के अप्रूवल के लिए ये अप्लाई करेंगे एंड उसका अप्रूवल आने के बाद फर्दर प्रोसीजर होगी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये मर्जर सक्सेसफुल होगा या मर्जर कैंसिल होगा। तो इस प्रोसेस के लिए अराउंड 4-8 वीक्स तक का टाइम जा सकता है। तो अगर आप इनिशियली इम्पल्सिव डिसीजन लेके इसमें इन्वेस्ट करते हो और कल को जाके अगर ये मर्जर कैंसिल होता है तो स्टॉक की वैल्यू गिर भी सकती है। तो इस केस में अगर आपने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया है तो आपका पोर्टफोलियो अराउंड 20-30% से नीचे आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको वो जो पोर्टफोलियो है होल्ड करके रखना पड़े या फिर उसमें लॉस बुक करना पड़े। तो आई वुड रिकमेंड कि इमीडिएटली इम्पल्सिव बाइंग ना करते हुए थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा अराउंड, देखिए 1-2 हफ्ता उसमें स्टॉक में कैसे मूवमेंट आ रही है मार्केट में, उसके बारे में क्या न्यूज़ आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड वेदर टू बाय लक्ष्मी विलास बैंक स्टॉक और टू वेट फॉर द सेम। दूसरा जो इम्पैक्ट आने वाला है इसका, वो आएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर। अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक जो है वो बेसिकली ऑलरेडी 900 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से इसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई हुई है, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ तक वो इंक्रीमेंट कर चुका है। अब ये जो मर्जर का अनाउंसमेंट है, इन माय ओपिनियन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। वो क्यों? उसका रीज़न ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक का पिछले 6 quarters का जो रिज़ल्ट है वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। तो एक अच्छी तगड़ी परफॉर्मिंग कंपनी अगर मर्ज कर रही है लो परफॉर्मिंग कंपनी के साथ, तो मार्केट इसको शायद नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो शायद हो सकता है मंडे को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक जो है वो गैप डाउन ओपन दे या फिर स्लोली ग्रेजुअली नीचे थोड़ा सा आए। और दूसरी चीज़ जो है इसको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो प्रमोटर्स है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, फिलहाल उनका स्टेक अराउंड 21.6% है। तो अगर ये मर्जर हो जाता है तो उसके बाद प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो 21.6 से घटकर 19.5 तक गिर जाएगा। अभी
ये जो प्रमोटर्स का स्टेक कम होना, ये मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी स्टॉक को, पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है, बट डिपेंड करता है वो सिनेरियो कैसा है। ये सिनेरियो जहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक जो है वो 19.5 तक कम हो रहा है, यानी कि 2% से वो घट रहा है, वेर इन दे आर मर्जिंग विद एन एंटिटी विच इज़ लो परफॉर्मिंग सिंस पास्ट 6 quarters, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा फॉर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। हाउएवर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ वाली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म के लिए गेन देख रहे हैं जो इन्वेस्टर्स गेन देख रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू एंटर इमीडिएटली। ये जो मर्जर का न्यूज़ देख के अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो और ये अपॉर्चुनिटी एनकैश करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड वेट फॉर सम टाइम, अदरवाइज इसमें आप ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज आप ऐसे स्टॉक को बाय करोगे जो बहुत हाई पे है, और अगर उस पर कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स इधर उधर होते हैं तो वो स्टॉक्स गिर जाएंगे। अगर गिरते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो डेफिनेटली कम होगा, यू विल हैव टू आइदर बुक द लॉस और यू विल हैव टू आइदर होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम देन यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर। तो ये मेरे तरफ से आपको इनपुट है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो मैं ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई स्टडी। हो सकता है कि मार्केट इसको अलग तरीके से रिएक्ट करे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो 101% सही है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव कि अगर ये जो मर्जर की न्यूज़ आती है इसमें किस तरीके से हमने रिएक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है कि ऐसे जब न्यूज़ आती है तो दे ट्राई टू get invested in that particular stock immediately to encash the benefit whichever is offered, but hota kya hai ki wo baki bhi sari cheeze madde nazar nahi rakhte hai and usko leke they suffer loss and loss suffer karte hai ya fir unko jo stock hai wo hold karna padta hai kafi lambe samay tak and lambe samay tak hold karne ke baad bhi wo stock recover karega ya nahi iski guarantee hoti nahi hai। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेट पेशेंटली एंड देन टेक डिसीजन रादर देन इम्पल्सिव डिसीजन लेके अपने पैसे को रिस्क में डालना। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सिनेरियो पूरा क्लियर हो गया है, एंड अभी इसके ऊपर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा। इसके बारे में आपको कोई भी शंका है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे डिटेल्स जो नीचे दिए गए हैं, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उसके ऊपर पिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जितनी जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई मैं दे सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका जो फीडबैक है, जो भी ओपिनियन है, वो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।